तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाम भी साइंस वर्ल्ड पर। तो अपना क्या चल रहा है, अपनी चल रही है क्लास इलेवंथ के रसायन विज्ञान हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना जो टॉपिक है संकरण, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो संकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संकरण क्या होता है, संकरण की विशेषताएँ, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह क्या है, आज हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संकरण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार का संकरण होता है। वैसे अपने अगर सिलेबस की बात की जाए तो अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं SP संकरण को पढ़ेंगे, SP2 संकरण को पढ़ेंगे, SP3 संकरण को पढ़ेंगे, SP3D संकरण को पढ़ेंगे और SP3D2। बस इतने संकरण को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे ज़्यादा संकरण के बारे में नहीं डिटेल में अपने को जाना है। वैसे अपने सिलेबस की बात करें तो इसको अगर पढ़ लें, वैसे आपको पता है कि जैसे देखिए एस में एक होता है, पी में कितने होते हैं 3 और डी में 5 और एफ में 7। तो एफ डी में वैसे तो 5 है, लेकिन अपन किसको पढ़ें, ज़्यादातर दो ही पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा को लेंथ ही हमें नहीं लेकर चलने वाले हैं इस अपनी चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं संकरण के प्रकार। तो मैंने अभी आपको बताया संकरण के कुछ प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रकार देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम SP संकरण को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, SP संकरण। इसमें देखिए S कौन सा होता है, ये क्या है हमारे पास, एक S है। और P की बात करें तो यहाँ पे देखिए P के अंदर इस प्रकार से डिवाइड किया गया है P को। तो P में देखिए ये क्या है अपना, PX मान लीजिए, PY मान लीजिए, PZ, कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी X, किसी को भी वाई या किसी को भी जेड से अपन प्रोनाउंस को पुकार सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात अपनी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा उल्टा ले लीजिए, जेड और एक्स, ज़्यादातर क्या मानते हैं अपन PZ को ही ज़्यादातर यूज करते हैं। ये कह ले सकते हैं आप एक कि परंपरा चलती आ रही है या कुछ भी मान सकते हैं। ज़्यादातर हम जब SP संकरण कराते हैं तो P का Z को ही उपयोग माना जाता है, इस प्रकार से लिया जाता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, SP के साथ Y कर लीजिए, X कर लीजिए, वो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसको जो कन्वर्सेशन होता है, जो इसको पुकारा जाता है, PZ के रूप में ही इसको पुकारा जाता है। तो इसमें आपको क्या पता है, अब देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक S व एक P ही भाग लेगा। निश्चित बात है, क्या है, SP है। तो इसमें क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसमें एक S, इसमें, चलिए तो इस थ्योरी को अपन लिख लेते हैं क्योंकि थ्योरी तो अपने को सीधी पढ़नी है। तो देखिए हम बात करें SP संकरण के बारे में, किसके बारे में, SP संकरण के बारे में। तो इसमें देखिए कि इसमें S है, इसमें क्या होगा, एक तो S होगा। कैसे देख सकते हैं कि आपको पता है ये क्या है, जो गोलाई में है इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, S, किस नाम से पुकारते हैं प्यारे बच्चों, जो गोलाई में आ रहा है हमारे पास इसको हम S नाम से पुकारते हैं। और ये देखिए जो इसकी जो पाली है वह बना लेते हैं इस तरह से, हमें क्या देखने को मिलता है, ग्राफ बनाते हैं अपने प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने कि यूम और यूम, ठीक है। ये क्या है, एक्स आ गए, कौन सा एक्स, देख लीजिए पहले अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि इसको अपने क्या कहते हैं, एक्स एक्स, क्या आ गया अपना यहाँ पे एक्स एक्स। अगर इसे देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, ये कौन सा एक्स आ गया अपना वाई एक्स, और ये कौन सा एक्स आ गया अपना जेड एक्स। तो इसके ऊपर हम क्या बना सकते हैं, पालियों को बना सकते हैं। कैसी पालियाँ मिलेगी, एक हमें यू पाली मिल जाएगी, एक यू मिल जाएगी और एक यू, इस प्रकार के डंबल जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इस प्रकार से डंबलों की संरचना हमें देखने को मिल जाती है। इसके आपको समझ में नहीं आया अच्छे से, यहाँ पे देखिए डंबलों की संरचना एक्स में हमें देखने को मिलती है। इसको हम किसके पुकार सकते हैं, सामान्यतः इसको PZ कह लेते हैं और इसको PY कह लेते हैं और इसको PX के नाम से अपन पुकार सकते हैं। ये क्या है, पी के जो संकरण है या संकृत कक्षक हैं उनकी संरचना है जो डंबल नुमा होती है, और S की कैसी होती है, गोलीय संरचना होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे कि इसमें एक S, S का तो क्या है एक, बाकी क्या लेगा S का तो एक, और पी कक्षक कौन से भाग लेते हैं एक, पी का कौन सा, सामान्यतः क्या माना जाता है, PZ भाग लेता है। क्या माना जाता है कि सामान्यतः इसमें PZ है वो क्या ले लेता है, भाग लेता है। तो देखिए PZ और S संकरण करेंगे, ठीक है। यही कहा गया है कि इसमें एक S व एक P कक्षक संकरित होकर दो समान SP संकरण कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो जो दो समान SP संकरित कक्षकों का निर्माण होगा
वो कैसे होंगे? इस प्रकार के होंगे। किस संरचना के होंगे? इस संरचना के हमें देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जो दो समान हमें एस पी संकरण कक्षक मिलेंगे, एस और पी अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन दोनों की संरचना यहाँ पे देखिए क्या थी, अलग थी। यहाँ पे देखिए क्या थी, अलग। लेकिन जैसे इन्होंने संकरण किया, दोनों की संरचनाएं क्या होगी? बिल्कुल समान, बिल्कुल एक जैसी यहाँ पर अपने को संरचना देखने को मिल गई है। किसकी? ये क्या है, अपने एस पी संकरण के कक्षक कह लीजिए, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर देखने को प्रॉपरली मिल जाते हैं इस प्रकार से। अब देखिए दूसरे टॉपिक पर, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ये अपना क्लियर हो चुका है। अब देखिए जेड एक्स पर संकरण के लिए एस व पी जेड कक्षक उपयुक्त होते हैं। तो किस एक्स पर? जेड एक्स पर। किस एक्स पर? जेड एक्स पर संकरण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एस व पी जेड कक्षक उपयुक्त होते हैं। तो एस तो उपयुक्त है ही है, पी जेड पी वाई पी एक्स में से जो अपना पी जेड जो कक्षक है वह क्या होता है, बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। ये भी चीज़ समझ में आ गई, अपना ये भी हो गया। अब देखिए प्रत्येक एस पी संकरण कक्षक में 50% लक्षण एक्स व 50% लक्षण पी के होते हैं। तो देखिए दोनों के लक्षण कितने होंगे, इसके भी 50% जाएंगे और यहाँ से भी क्या जाएंगे, 50% लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से अपने को कितने कितने लक्षण देखने को मिल रहे हैं, दोनों तरफ से अपने को 50-50% जो लक्षण हैं वह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए दो संकरित कक्षक एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर निर्देशित होते हैं। कैसे होते हैं, इसको साफ कर लेते हैं अपने। 180 डिग्री के कोण पर कैसे होंगे ये देख लेते हैं, ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब देखिए 180 डिग्री क्या होता है, एक सीधी रेखा क्या होती है, 180 डिग्री कौन बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक पाली दो पाली एक छोटी, ये दोनों की संरचना इसे माना थोड़ी बड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो पालियाँ हैं, एक इधर वाली ऐसी पाली है और एक यहाँ पे ऐसी पाली, जो ये दोनों की संरचना इस समान है। यहाँ पे थोड़ी सी अपनी संरचना में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो इस प्रकार की दो पालियाँ मिल करके यहाँ पर कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री का। यही हम कह रहे हैं कि दो संकरित कक्षक एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर निर्देशित होते हैं, इसलिए यह संकरण रेखीय या विकिरण संकरण कहलाता है। किस प्रकार का संकरण कहलाता है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि एस पी संकरण किस प्रकार का संकरण होता है या किस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, तो हम क्या कहेंगे, एक रेखीय संरचना का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण होता है, या विकिरण संरचना का निर्माण होता है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया टॉपिक एस वी संकरण कक्षकों के दो उभरे हुए धन क्या है, लोब, इन्हें क्या कहते हैं, पाली। लोब को क्या कहते हैं, पाली। तो देखिए एस पी में अभी बताया था दो तो क्या होंगे, इस प्रकार से बड़े बड़े उभरे हुए क्या है, ये पालियां है, क्या है, पाली जो बड़ी है उसको क्या कह रहे हैं हम, उभरी हुई जो बड़ी है उसको धन, धनात्मक क्या है, ये पालियाँ धनात्मक पालियाँ हैं, बड़ी पालियाँ क्या है, धनात्मक पालियाँ हैं। और क्या कह सकते हैं, और वह अत्यंत छोटे ऋण लोब, इसके नीचे क्या होंगे, छोटे छोटे ऋण लोब होंगे, इन्हें क्या कहते हैं, धन लोब हो गए, ऋण लोब हो गए। पालियाँ दो पालियाँ हो गई, कौन सी, धनात्मक और ऋणात्मक, हमें यहाँ पर दो प्रकार की पालियाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। विपरीत दिशाओं में जेड एक्स की ओर दृढ़ होते हैं, विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से जेड एक्स की तरफ क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ये उम्मीद है जो थ्योरी है हमारी वो बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं चीज़ को हम लागू करने वाले हैं कुछ उदाहरणों के साथ। तो चलिए कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर बात करें तो हम लिख सकते हैं बी ई एफ टू, क्या लिख सकते हैं, उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल बी ई एफ टू, और क्या लिख सकते हैं, बी ई सी एल टू। यह क्या है, अपना जो सत्रवां वर्ग, क्या है, सत्रवां, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, जो सत्रवां वर्ग है, सत्रवां वर्ग वो क्या करता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सत्रहवें वर्ग को क्या होती है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, क्योंकि वह अपना जो बाह्यतम कोश है वो पूर्ण कर करके अक्रिय गैसों की श्रेणी में आ जाना चाहता है। तो वह क्या कर रहा है, यहाँ पर सत्रहवें वर्ग के देखने को मिलेंगे, पहले क्या आ गया, फ्लोरीन, फिर क्या आ गया, क्लोरीन, और अनुमान लगा सकते हैं क्या हो सकता है, बी ई आई टू, ठीक है, आयोडी, फिर एफ सी एल आई टू, ठीक है, इन सभी को आप उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, बी ई एफ टू, बी ई सी एल टू, बी ई आई टू, ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए। अगर अपने पास स्पेस है तो एग्जांपल को अपन यहीं पर ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से,
ठीक है, अच्छे से उस समझ में आ गया होगा, कुछ इसके एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस एक एग्जांपल को कवर करते हैं अपने अच्छे से और फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कौन से एग्जांपल को किया जाए, अपन ले लेते हैं बी ई अप टू, यहाँ पर कर लेते हैं अच्छा स्पेस है बी ई अप टू। सबसे पहले देखिए बेरिलियम कितने नंबर पर आता है, बेरिलियम कितने नंबर पर आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने को पता है बेरिलियम आता है चार नंबर पे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है चार है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, टू टू, कैसे लिखेंगे टू टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना कह सकते हैं कि किस प्रकार से करेगा। अब देखिए फ्लोरीन की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कितना होता है, जल्दी से बताइए, जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो अपने को पता है किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं इसको, कितने नंबर पे आ गया इसका परमाणु क्रमांक हो गया नौ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे, दो, दो के बाद क्या आएगा सात, मतलब इसको क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर इसको मिल जाए, अगर जो हमारा ये है फ्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम संरचना बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए इसको छोड़ देते हैं, इस कक्षक को भर लेते हैं, टू एस में क्या आएंगे दो इलेक्ट्रॉन, टू एस में क्या आ रहे हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और टू पी की बात करें तो बेरिलियम का बना लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, तो ये भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत है अपने को नहीं है, इसमें क्या है दो इलेक्ट्रॉन। और जब इसके पी कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, क्या करेंगे पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो हमें कैसी संरचना देखने को मिल जाती है, इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है कमी है, एक इलेक्ट्रॉन या कि यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों अपने पास कमी है वह खाली है, ठीक है। उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं बेरिलियम को भर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो देखिए ये क्या है 1s और क्या है 2s और ये क्या आ गए pk आ गए, क्या आ गए pk, तो इसमें क्या आ गए दो इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें क्या आ गए दो इलेक्ट्रॉन आ गए 1s2 2s2 दोनों क्या हो गए यहाँ पर अपने पास कवर हो गए। तो जब इसको संकृत किया जाता है उत्तेजित अवस्था में आता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके इसके जो पी जेड जो वह कक्षक है इसके अंदर आ जाएगा, उत्तेजित होगा और पी जेड के अंदर आ जाएगा। अब इसका संकरण किसके साथ करवाया जा सकता है, यहाँ पर देखिए अब इसका संकरण एस का संकरण पी जेड के साथ आसानी से हो सकता है, दोनों जब संकृत होंगे यहाँ पर तो किस प्रकार से होगा, देखिए एस की संरचना कैसी होती है गोलीय और पी की पी जेड की संरचना डंबल नुमा इस प्रकार से। तो जब दोनों संकृत होंगे तो क्या बनेगी, इस प्रकार की हमें दो पालियां देखने को मिलेगी, इसकी संरचनाएं क्या है इस प्रकार की दो पालियां देखने को मिलेगी। और जब दोनों पालियां अपने पास संकरण करेगी तो इस प्रकार से 180 डिग्री का कोण बनाएगी और इस प्रकार से, और जो अगर अलग बची हुई जो हमारे पी जेड और पी जेड तो अपने लिए पी एक्स और पी वाई है, वो पालियाँ भी इससे यहाँ पर क्या है कनेक्ट है, क्या है पालियाँ यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। इसको अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये क्या हो रहा है यहाँ पर एस पी संकरण अपने को देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है एस पी संकरण यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो कक्षक है ये जो कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं संकरित कक्षक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं संकरित कक्षक, क्या बुला सकते हैं इसको संकरित कक्षक अपन बुला सकते हैं कोई। और जो ये पास में है जो इस अलग जो वालियाँ हैं उसे क्या कहेंगे, जैसे ये बची हुई है इसकी संरचना इसे ले लेते हैं और इसकी संरचना आ नहीं रहा होगा ऐसे, तो ये क्या है असंकृत, क्या है ये क्या अपना पास असंकृत, ये क्या हमने समझा यहाँ पर एस पी संकरण को यहाँ पर अच्छे से पूरे डिटेल से हमने यहाँ पर सीख लिया। तो इसका दूसरा प्रकार क्या होगा, पहला हमने क्या सीखा एस पी, अगला प्रकार क्या होगा एस पी टू संकरण, जल्दी से इसका नोट कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़िए, नोट कीजिए। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो एसपी संकरण का नेक्स्ट प्रकार है वह क्या है, एसपी संकरण को हमने डिटेल में पढ़ लिया किस प्रकार से एसपी संकरित होता है, अब हम क्या पढ़ेंगे एसपी टू संकरण को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए एसपी टू संकरण को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है नाम से एक क्या है एस, एक क्या है एस और पी कितने भाग लेंगे इसके अंदर बात करें तो हमारे पास पी भाग लेने वाले, देखिए ये क्या आ गया पी एक्स मान लेते हैं पी वाई मान लेते हैं पी जी तीनों मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन भाग कर रहा है पी एक्स पी वाई दो भाग लेंगे और यहाँ पे क्या है एस, जब ये सभी क्या होंगे संकरित होंगे, क्या हो रहे हैं संकरित, और ये क्या है असंकरित, क्या है असंकरित कक्षक, ठीक है।
तो जब इन दोनों का संकरण होगा किसका, एक एस और दो पी का, एक एस और दो पी का संकरण होगा, तो हमें कितनी पालियाँ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, हमको तीन पालियाँ देखने को मिलेगी समान संरचना की। क्या मिलेगी, तीन पालियाँ इस प्रकार से हमें यहाँ पर समान संरचना की, समान व्यवस्था की देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीन पालियाँ होगी, किससे बनी है, ये जो तीन एक एस है और दो पी है, पी एक्स और पी वाई, इसमें कोई पी जेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना है अपने को कि पी जेड ही भाग लेगा, पी एक्स ही भाग लेगा, पी वाई ही भाग लेगा, यहाँ पर पी एक्स पी वाई को ले लीजिए, पी जेड पी वाई पी जेड कोई भी संकरण में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, इस प्रकार की तीन पालियाँ अपने को देखने को मिलेगी। अगर इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो हमें कुछ ऐसी संरचना इसकी देखने को मिलती है, ये छोटी पाली यहाँ पे ऋण पाली और इन पाली, ये इनकी क्या हो गई, ऋणात्मक पालियाँ हो गई, ये क्या हो गई, धनात्मक पालियाँ हो गई। किस प्रकार की संरचना हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है, इस प्रकार की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जब हम इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है तो इसे क्या कह सकते हैं, त्रिकोणीय समतली, क्या कहेंगे, त्रिकोणीय समतली, क्या है ये बच्चों, त्रिकोणीय समतली संरचना देखने को मिल सकती है। इसको नोट कर लीजिए, इसी संरचना बनानी है अपने को, ये नहीं बनाना है, और ये इसका नाम है त्रिकोणीय समतली संरचना, इस प्रकार से किसमें बन रही है, sp2 संकरण में। इसको नोट कर लेते हैं अपने जल्दी से, और फिर इसको कंटिन्यू अच्छे से हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपने अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम बात करें sp2 संकरण की, इसमें हमें पता है क्या भाग ले रहा है, जो एक तो एस संकरण भाग ले रहा है, एस कक्षक क्या ले रहा है, एक भाग ले रहा है, और जो पी कक्षक है, जो डंबल नुमा संरचना होती है, तो एक तो यहाँ पे इस प्रकार की, और ये दो बंडल नुमा संरचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसको आप पी एक्स कह सकते हैं और इसको पी वाई कह सकते हैं, एक हमें यहाँ पर एस कक्षक, एक पी वाई और पी एक्स, कोई भी दो कह सकते हैं, दोनों क्या मिल करके यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, एक एस कक्षक व दो पी कक्षकों का संकरण होता है, क्या होता है, एक तो एस कक्षक होता है और एक पी दो पी सॉरी एक तो क्या है यहाँ पर एस कक्षक है और दो पी कक्षकों का संकरण होता है, ठीक है। तो वह इसमें क्या होंगे, तीन क्या बनेगी इस प्रकार की, एक दो तीन, ये इस प्रकार से जो तीन समान sp2 संकरित कक्षक क्या बनेंगे, तीन समान sp2 संकरण कक्षकों का बन जाते हैं, sp यहाँ बनेगा यहाँ पर sp2, ये क्या है sp2, तीनों क्या बनेंगे sp2 संकरण कक्षकों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये हो गया, अच्छे समझ में आ गया किस प्रकार से तीन जो हमारे पास sp2 संकरित कक्षक में प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं तीन संकरण कक्षक त्रिकोणीय समतली व्यवस्था में होते हैं, ये बना चुका हूँ मैं, एक बार फिर से अपन बना लेते हैं। त्रिकोणीय समतली व्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिलती है यहाँ पर अपने को, ये इसकी पॉजिटिव पालियाँ हैं और क्या है नेगेटिव पालियाँ, तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली व्यवस्था अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये बात क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई। प्रत्येक संकरित कक्षक में 33% अभिलक्षण किसके होंगे, एस के 33%, या कह सकते हैं 33.3%, ठीक है कोई बात नहीं, 33% अभिलक्षण किसके आएंगे, एस के आएंगे, क्यों, क्योंकि एस का एक और पी के दो कक्षक भाग ले रही हैं, एस का एक और पी के दो भाग ले रहे हैं, तो क्या बनेंगे 33.3% अभिलक्षण किसके आ गए, एस के, और 66.7% अभिलक्षण किसके आ गए अपने पास, पी के अभिलक्षण देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार की एक संरचना मिल जाती है, इसे त्रिकोणीय समतली संरचना, इसको आप मिला भी सकते हैं इसे, यहाँ पर त्रिकोणीय समतली संरचना अपने को देखने को मिल जाती है। चलिए इसको उदाहरण के साथ अच्छे से देख लेते हैं, तो इसका उदाहरण अपन लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं BCl3, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं अपने BCl3, क्या ले लेते हैं BCl3, तो अपने सबसे पहले देख लेते हैं बोरॉन, बोरॉन कितने नंबर पे आता है, बोरॉन 5 नंबर पे आता है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक क्या है 5 है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, 1s में 1 2 2s में 1 2 4 आगे, और जो अपना 2p होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2p में देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 2p में है, क्या है एक इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर 2p में है, तो यह क्या चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ और जो अपना जो स्थायित्व है उसको क्या कर लूँ प्राप्त कर लूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा और अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहेगा। उसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन कितने नंबर पर आता है 17 नंबर पर आता है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें कैसे आएगा 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, फिर क्या आएगा 3s2 क्या आ गया 3s2, और उसके आगे बढ़े तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कितने हो गए 2 4 और 10
और दो बार, अपने पास कितने रह गए, पाँच, कितने रह गए, पाँच, किस में आएंगे, 3P5। ये क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपना। तो यहाँ पे इसकी संरचना बनाए 3s से बना लेते हैं क्योंकि आगे के अपने को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 3p में देख सकते हैं क्या है, 1 2 3, 1 2। तो यहाँ पे एक क्या है, वैकेंट है, खाली है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, संकरण करते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से जो भाग लेने वाले हैं, तो इसमें दोनों भाग ले रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, इसको यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ये तो अपने क्या है, फुल है। तो जब उत्तेजित अवस्था में आएगा कौन, ब्रोमीन, क्या आएगा, जब अपना पास जो बोरोन है वह क्या आएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो यह क्या है 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित होगा और यहाँ पर आ जाएगा, क्या होगा, उत्तेजित होगा और किस में आ जाएगा, ये क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, py। तो एक तो s ने भाग लिया, किसने, एक तो s ने भाग लिया और दो किन्नों ने भाग लिया, p ने, ये क्या है, असंकृत है, क्या है, असंकृत है, सॉरी यहाँ पर अपने को अंकृत लिख देते हैं, असंकृत है, क्या है, असंकृत। ये जो असंकृत है ये तीनों क्या हो गए अपने पास, संकृत कक्षक आ गए, क्या आ गए, तीनों यहाँ पर अपने पास संकृत कक्षक देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या उत्तेजित अवस्था है, जब उत्तेजित होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाह रहे हैं तो ये उत्तेजित अवस्था में आएंगे और बाहर की तरफ खिसक जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है अपने पास एस है, ठीक है, ये क्या है पी वाई है, और इसमें साथ में क्या है पी एक्स पी वाई पी जेड, कुछ भी ले लीजिए, पी एक्स ले लीजिए और पी वाई ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लेते हैं एस, ये क्या है पी एक्स और ये क्या है पी वाई, तीनों आ गए। जब ये सभी संकरण करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 2 और 3, ये तीनों सब अवस्थाएँ हैं वो अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये क्या बन गई, sp2 संकृत कक्षक मिल गए अपने को, क्या मिल गए, sp2 संकृत कक्षक यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई भी अपने को यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी सी इसकी संरचना को अपन अच्छे से बना लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, हम कहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे अपर स्पेस है, अगर बन सके तो यहाँ पर इसकी अच्छे से अवस्था बना लेते हैं। पहले देखिए हमें पता है ए से एक आ गया, थोड़ा सा इसको सीधा रख लेते हैं, क्या आ गया 1 2 3, इसकी ये रहे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे डायग्राम, ठीक है, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ये क्या आ गया, इसके जो नेगेटिव पालियाँ हैं वो भी आ गई, पॉजिटिव पालियाँ हैं वो भी, सभी पालियाँ यहाँ पर अपने सेट कर लिया है। इसके साथ यहाँ पर भी क्या होगा, असंकृत जुड़ी है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है। तो इस प्रकार की हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक संरचना देखने को मिल रही है, क्या मिल रही है, यहाँ पे संरचना देखने को मिल रही है। अब इनके मध्य के कोण की बात करें तो इन दोनों के मध्य कोण बन रहा है 120 डिग्री, कितना बन रहा है 120 डिग्री का, हम कह सकते हैं कि अपने को यहाँ पर कोण देखने को मिल रहा है। और संकरण हो रहा है वह किस प्रकार का हो रहा है, यहाँ पर जो संकरण हो रहा है वह किस प्रकार का हो रहा है, sp2 संकरण अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जल्दी से इसको अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर अपने क्या बढ़ेंगे, अपने इस को आगे थोड़ा सा और डिटेल से सीखेंगे समझेंगे। तो sp2 संकरण का नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपने, क्या ले रहे हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर अगले उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं एथीन को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, एथीन कह लीजिए, एथेन कह लीजिए, एक ही बात है। अगर इसकी संरचना क्या बनेगी, CH2, इस प्रकार की एक संरचना अपने को देखने को मिली। अगर इसको अच्छे से लिखें तो हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, इस प्रकार की हमें संरचना जो है वो देखने को मिल रही है, क्या मिल रही है, इस प्रकार की संरचना मिल रही है। अब हमें पता है कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2, क्या आ गया 1s2 2s2 और 2p2, तो 6 इलेक्ट्रॉनों के 6 के 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो अगर इसको हम सामान्य अवस्था में लिख रहे हैं, किसे क्या कहते हैं, अधवस्था, क्या कहते हैं, अधवस्था, और क्या लिखेंगे, उत्तेजित अवस्था, क्या लिखेंगे, उत्तेजित अवस्था। तो ये तो क्या है, अब इसको भरें तो ये क्या है, इसकी अधवस्था बना रहे हैं पहले, मतलब जब यह उत्तेजना में नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, इसको निकालने का प्रयास हम कह सकते हैं कि नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे उत्तेजित अवस्था देखते हैं इसकी, क्या देख लेते हैं, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालने का प्रयास करेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो अपनी अवस्थाएं हैं उसको यह प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में आ चुका है। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए कि हमें पता है कार्बन, कार्बन के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन को। क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो किस प्रकार की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कार्बन की बना लेते हैं पहले, कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संकरण देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संकरण देख लेते हैं पहले। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं अपन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी क्या है, नेगेटिव पालियाँ हैं, कोई यहाँ पर बड़ी बात। अब ये पॉजिटिव पालियाँ होगी। अब ये दोनों यहाँ पर क्या करें, बॉन्ड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, दोनों आपस में क्या बना रहे हैं बॉन्ड, एक तो क्या बनेगा पाई और एक क्या बनेगा सिग्मा, एक क्या बन रहा है पाई, ये पाई कैसे बन रहा है, पाई तो यहाँ पर बन गया, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या करें, जब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो ये अपने क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, पर बच्चों यहाँ पर अपना पाई आबंध का निर्माण हो जाता है। इस चीज को कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव है और इसके साथ हाइड्रोजन को अपने ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसकी संरचना को देख लेते हैं, अपने पास स्पेस होगा उचित उसके अनुसार अपने इसके जो फाइनल संरचना है उसको देख लेते हैं। तो किस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हम पाई बंद होते हैं उसको थोड़ा सा इस प्रकार से अपन शो करते हैं। पाई को किस प्रकार से शो कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से शो कर रहे हैं। ये बंद क्या है, पाई आबंध है, क्या है, पाई आबंध को हम यहाँ पर इस प्रकार से शो करें। अब अगर हम कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं उसकी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जो कार्बन है वो किसके साथ, हाइड्रोजन, मतलब जिसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन के दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो वह किसका निर्माण कर रहा है, 117.6 डिग्री का, किसका, 116.6 डिग्री का। और जिसके एक पास हाइड्रोजन है, जैसे ये एक तरफ हाइड्रोजन है और इससे क्या जुड़ा है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वह करेंगे 121 डिग्री का, क्या बनाएगा, 121 डिग्री का। और ये जो बंद लंबाई की बात करें, हम किसकी बात कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो आबंध लंबाई है, जो बंद भर रहा है उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो वह क्या कह सकते हैं, 108 पिकोमीटर होगी, कितनी होगी, 108 पिकोमीटर बंद लंबाई का यहाँ पर अपने पास बंद भर रहा है। पीएम द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, एथेन का उदाहरण दिया हमने sp2 संकरण में। तो इसके जो आगे के प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।